महत्वपूर्ण समाचार राजकोट थी सामे आवी रह्या छे, जेमां भाजपना नेता ने पुत्र ने मार मारवानो मामलो सामे आव्यो छे। भाजपना नेता छे तेमना पुत्र ने मार मारवानो मामलो सामे आव्यो, जेमां पीआई एसएस राणा ने साइडलाइन करवामां आव्यो छे। हाल महत्वपूर्ण समाचार राजकोट थी, भाजप नेताना पुत्र ने मार मारवानो मामलो जेमां पीआई एसएस राणा ने कराया छे साइडलाइन। गांधीग्राम पोलीस स्टेशन में पीआई तरीके फरज बजावता हता, ज्यारे पीआई राणा ने लीव रिजर्व में धकेलवामां आव्या छे। एसओजी पीआई ઝાલાને સોંપાયો છે। હાલ તો ચાર્જ। મહત્વપૂર્ણ સમાચાર રાજકોટથી, જેમાં ભાજપ નેતાના પુત્રને માર મારવાનો મામલો સામે આવ્યો, જેમાં પીઆઈને કરાયા છે સાઇડલાઇન। પીઆઈએ કારને પેટ્રોલિંગમાં રોકી હતી અને સોમવારે રાત્રે ઓવરસ્પીડમાં ચલાવતો હતો આ નેતાનો પુત્ર, જ્યારે પાર્શ્વ ઠાકરને રોકતા શાબ્દિક ઘર્ષણ કર્યાની ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે। ત્યારે પાર્શ્વ ઠાકરે રાણે વિરુદ્ધ આક્ષેપો કર્યા છે। રાજકોટ શહેર પોલીસ કમિશનરે પણ પગલાં લીધા છે। आज मुद्दे अमारी साथे ध्रुव कुंडेल जोड़ाई गया छे। जी ध्रुव, भाजप नेताना पुत्र ने मार मानवानो मामलो सामे आव्यो छे, शुं छे आखी घटना? आ जय वात करिए तो भाजपना जे नेता मार मारवानो जे पीआई एसएस राणाए जे किस्सो जे हतो तेने लईने हाल पीआई राणाने साइडलाइन करवामां आव्या छे। महत्वनी बाबत ए छे के आ पीआई राणा छे ते गांधीग्राम पोलीस स्टेशनमां पीआई तरीके फरज बजावता हता। खास तो राणा ने लीव रिजर्व में धकेलाया है। एना बदली में एसओजी ना जे पीआई है ઝાલા गांधीग्राम पुलिस स्टेशन ने इंचार्ज सौंपवामां आव्यो छे। खास करीने जो बात करवामां आवे तो राणाए भाजपना नेता परेश ठाकर ना पुत्र ने क्या पेट्रोलिंग दरमियान तेमनी कार छे ते रोकी हती अने आज समग्र घटना छे ते सोमवारे रात्रिना समय थई हती। ओवर स्पीड चलावतो हतो पार्श्व ठाकर नामनो जे युवक छे ते ओवरस्पीडमां कार चलावतो हतो, त्यारे ज आ प्रकारनी जे घटना छे ते बनी हती। लाखना बंगला सामे पार्श्व छे त्यांथी निकळ्यो हतो अने ते दरमियान जे पीआई छे राणे तेओए तेमने रोक्या हता। तेमनी साथे क्यांक शाब्दिक घर्षण पण थयुं हतुं। खास करीने क्यांक एक धमकीनो पण आक्षेप क्यांक पार्श्व करी रह्यो हतो के राणे बोटल मूकी खोटो केस करवानी धमकी आपी हती। खास एज कारणे राजकोट शहर पोलीस कमिश्नरे आ प्रकारना पगला लीधा होवानी चर्चा अत्यारे सेवाई रही छे। खास तो પાર્શ્વ ઠાકરે રાણે વિરુદ્ધ આક્ષેપ કર્યો હતો, ત્યારબાદ આ સમગ્ર કાર્યવાહી છે તે કરવામાં આવી છે। જી જી ધ્રુવ, સમગ્ર માહિતી બદલ આભાર। તો રાજકોટમાં ભાજપના નેતાના પુત્રને માર મારવાનો મામલો સામે આવ્યો છે, જેમાં પીઆઈ એસએસ રાણાને કરાયા છે સાઇડલાઇન।